कभी कोई शूट हुआ होगा, इट्स अमेजिंग। प्रोड्यूसर भी हमारे जो अभय बंसल जी दिल खोल के खर्चा कर रहे हैं और कमाल। इवन इवन मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा, राखी का ये जो गाना आने वाला है, मतलब हमारा गाना, इसमें आपको राखी बहुत ही अलग अंदाज में दिखने वाली है। अच्छे लग रहे हो आज तो राखी जी, तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं आज तो। क्या कुछ कहना चाहूंगी? सलमान भाई भी अच्छे लग रहे हैं। व्हाट यू वांट टू से सलमान जी अबाउट द शूट? यार आज हमारा सेकंड डे है शूट का, बहुत ही कमाल का शूट जा रहा है। और मैं आप सब लोगों को बताने वाला हूँ, प्लीज ये वाले गाने का बेसब्री से इंतजार करो, क्योंकि इस गाने में आपको राखी का जो लुक दिखने वाला है, जो एक किया राखी ने, काबिले तारीफ। आप सब लोग देखकर कहेंगे कि राखी बहुत ही कमाल की आर्टिस्ट, बहुत ही एकदम। हमारे प्रोड्यूसर अभय बंसल जी भी एकदम दिल खोल के खर्चा कर रहे हैं, और इतने मतलब वेरिएशन, इतने ट्रीटमेंट इस सॉन्ग को दिया गया है मेरी रियल लाइफ पे। कितने एक बायोपिक तो नहीं कहूँगी मैं, बट एक ही 4 मिनट के गाने में उफ, आपके सबके रोंगटे मतलब खड़े हो जाएंगे। और ऐसा इसमें ट्रीटमेंट दिया गया है, अमेजिंग। बंसल प्रोडक्शन की मैं बात करूं, कि जो पिछला गाना था काफी सुपर डुपर हिट गया था, काफी प्यार मिला था उस गाने को, इस गाने से क्या उम्मीद है राखी जी आपकी? इस गाने से तो लोगों को बहुत टच होगा। जो अभी फिलहाल मेरा जो दौर चल रहा है, उतार चढ़ाव, जो सैडनेस मेरी मॉम का, फिर हस्बैंड का, तो वो सारा इस सॉन्ग में दिखाया गया है क्या हुआ था। मतलब ज्यादा तो नहीं बता सकते, बट थोड़ा बहुत लोगों को बहुत पसंद आएगा। और सलमान जो है आदिल का रोल प्ले कर रहे हैं इसमें, एंड हमारी ट्यूनिंग अच्छी लग रही है इस सॉन्ग में। राखी मैं बात करूँ आपकी, तो बहुत दिन के बाद मैं आपको देख रहा हूँ, इतनी खुश आप नजर आ रही है, इस खुशी के पीछे क्या राज बताना चाहूंगा? इसका जवाब पहले मैं, पास में ये रूम में, ठीक है, सीन से जस्ट 10 से 15 मिनट पहले तक मैं उनकी आवाजें सुन रहा था, उस आवाज में कितना दुख था, कितना दुख था, ये लिटरली रो रही थी। उसके बाद में जैसे ही डायरेक्टर का कॉल आता है कि मैं सेट पर जाना है, यार 2 मिनट में बंदी तैयार होती है, 10 मिनट में तैयार होकर बाहर आती है स्माइली फेस के साथ। तो आप सभी लोगों को ना यार वो एक स्माइली फेस दिखता है, लेकिन सुना है मैंने उस स्माइली फेस के पीछे कितना दर्द है, कितना दुख है, और उसके बाद भी अपने काम के प्रति इतनी ईमानदारी। थैंक यू। देखिए काम तो करना है ना, मेरे रोने धोने से प्रोड्यूसर का नुकसान तो नहीं कर सकते ना। yes. तो बट खुशी है कि फिर से मैं काम पे आ गई हूँ और काम कर। काफी अच्छा लग रहा है आपको काम पे देख के और खुश देख के। सलमान आपसे मेरा सवाल रहेगा, जिस तरह का किरदार आप प्ले कर रहे हो, काफी डिफिकल्ट है, काफी चर्चा होगी वो चीज का तरह, कितना डिफिकल्ट आपके लिए, आप चैलेंज ले रहे हो, हाउ आर यू टेकिंग दिस चैलेंज? यार मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं कलाकार हूँ, मेरा काम है एक स्क्रीन पर एक कला को पोर्ट्रे करना है, एक जो कैरेक्टर दिया गया है मुझे, जो मुझे समझाया गया है, मैं उसको मद्देनजर रखते हुए अपना बेस्ट कर रहा हूँ। yes. और पूरी पूरी उम्मीद है कि ऑडियंस को पसंद आएगा। और अब पर्सनल लाइफ में किसके साथ कैसा जा रहा था उसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन मुझे जितना बताया जा रहा है उसे मैं 100% करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। इसमें मैं अपना खुद ही कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ एंड सलमान आदिल का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगेगा आपको, थोड़ा सा वेट कीजिए। कितना डिफिकल्ट हो जाता है ये सिचुएशन में काम करना, वर्क एथिक को, आप काफ़ी लोग को इंस्पायर कर रहे हो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो रियल लाइफ में जो स्ट्रगल करते हैं रियल लाइफ में, इतने आप खुश दिख रहे हो प्रोफेशनल वाइज। देखिए सारी चीजें भूल के आगे बढ़ना चाहिए। अब तो कहते ना बहुत अकेले रह गई हूँ मैं, ना मेरी मॉम है ना हस्बैंड है, तो अब अकेले जीना है। और मुझे नहीं पता आगे क्या होगा क्या नहीं होगा जिंदगी में, बट बचपन से ही मैं जब घर से भागी थी बॉलीवुड में आई थी, तो बॉलीवुड मेरी कर्म भूमि है, मेरी माँ है, मेरी ज़िंदगी है। तो मैं फिर से, मेरे बॉलीवुड ने मुझे कहा है, एक कहते हैं ना कि माँ अपने गले लगाती है अपनी बेटी दुखी होती है, तो फिर से मेरे बॉलीवुड ने मुझे गले लगा लिया और मैं काम कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है। बाकी मैं बात करूँ इस सॉन्ग की, तो इससे पहले भी आपके बहुत सारे सॉन्ग आ चुके हैं।